Hello my dear students, welcome to English literature class. Students, we started reading the chapter number 18, Robin Hood and His Merry Men of class 7th. And I have already discussed scene 1, today reading from scene 2. Armed sheriff's men in front of Robin Hood's house. Leader knocks at the door. Robin Hood's father, an old man, opens the door. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शरीफ ने अपने मैन को भेजा था रॉबिन हुड को लाने के लिए डेड और अलाइव. तो उनके अंकल उसे जो रॉबिन हुड के अंकल हैं उन्होंने बताया था कि रॉबिन हुड अपने घर जा चुका है. तो सीन टू में जो शरीफ के मैन हैं वो रॉबिन हुड के घर के सामने खड़े हैं एंड लीडर नॉक्स एट द डोर. लीडर ने डोर खटखटाया और रॉबिन हुड के फादर ने डोर ओपन किया. लीडर, We have come to arrest Robin Hood under the orders of His Majesty. Where is your son? Hand him over immediately. अब लीडर जो है शरीफ्स मैन का तो वो बोलता है कि हमें हमारी मैजेस्टी ने ऑर्डर किए हैं कि हमें रॉबिन हुड चाहिए तो आप उन्हें हैंड ओवर कर दो. रॉबिन्स फादर ही इज़ नॉट हेयर, ही लिव्स इन शेरवुड फॉरेस्ट. तो रॉबिन हुड के फादर बताते हैं कि वो घर पे नहीं है, वो शेरवुड फॉरेस्ट में चला गया है. लीडर, वी डू नॉट बिलीव यू, यू मस्ट बी लाइंग. वी विल सर्च द हाउस एंड द सराउंडिंग्स ऑफ द हाउस. तो वो बोलता है कि हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, हम घर की तलाशी लेना चाहते हैं. दे सर्च द हाउस एंड द सराउंडिंग्स इन वेन. लीडर, ही इज टेलिंग द ट्रूथ. रॉबिन हुड इज नॉट हियर. वी हैव टू सीक हिम इन द फॉरेस्ट. ओ, इट विल बी अ माइटी अनप्लेजेंट टास्क. तो अब लीडर जो है वो बताता है कि ये सच बोल रहे हैं, रॉबिन हुड कहीं पे भी नहीं है. दे सर्च द हाउस एंड सराउंडिंग्स इन वेन, दैट मीन्स उनकी जो सर्च थी वो फ्रूटलेस रही. सो दे डिसाइडेड टू सीक हिम इन द फॉरेस्ट. ओ, इट विल बी माइटी अनप्लेजेंट टास्क. तो उनके लिए ये मतलब बहुत ज़्यादा खुशी वाला टास्क नहीं था. दैट मीन्स दे डिडन्ट वॉन्ट टू गो देयर. वो शेरवुड फॉरेस्ट में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्हें ये टास्क थोड़ा अनप्लेजेंट लगा. रॉबिन्स फादर, आई एम श्योर ऑफ दैट इन द फॉरेस्ट आई हियर मैन स्किल्ड विद द बो टारगेट द स्ट्रेंजर्स हु एंटर द फॉरेस्ट. वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल. तो अब जो रॉबिन के फादर है रॉबिन हुड के, वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन्होंने सुना है कि शेरवुड फॉरेस्ट में बहुत स्किल्ड मैन हैं जिन्हें बहुत अच्छे से तीर अंदाजी आती है. तो वो कहते हैं कि तुम्हें वहाँ ध्यान से जाना चाहिए. वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल. लीडर, कम ऑन, लेट अस गो टू द फॉरेस्ट. आई डेयर नॉट रिटर्न टू शरीफ विदाउट द प्रिजनर. तो वो बोल रहे हैं कि हमें फॉरेस्ट में जाना चाहिए क्योंकि मैं शरीफ के पास बिना रॉबिन हुड को लिए वापस नहीं जाऊँगा. ठीक है, दैट मीन्स वो कहता है कि मुझे शरीफ का सामना नहीं करना बिना रॉबिन हुड के. सीन थ्री, द एज ऑफ द फॉरेस्ट. एंटर शरीफ्स मैन. अब तीसरे सीन में दिखाया गया है कि जो शरीफ के मैन हैं वो शेरवुड फॉरेस्ट के सामने खड़े हैं, दैट मीन्स एज पे बाहर खड़े हुए हैं. लीडर, लुकिंग अराउंड हिम स्लाइटली स्केयर्ड. तो अब जो लीडर है जब वो शेरवुड फॉरेस्ट की तरफ देखता है तो थोड़ा उसको स्केयर फील होता है, डर फील होता है. हॉल्ट, द फॉरेस्ट बिगिंस हियर. डू यू थिंक वी शैल बी एबल टू फाइंड रॉबिन हुड इन देयर. आई थिंक इट विल बी अ फ्यूटाइल मिशन, लेट अस रिटर्न टू टाउन. अब लीडर को फॉरेस्ट को देख के थोड़ा डर लगता है. वो बोलता है कि यहाँ से फॉरेस्ट शुरू होता है और इतना बड़ा फॉरेस्ट है, मुझे नहीं लगता कि हम रॉबिन हुड को यहाँ पे ढूंढ पाएंगे, हमें टाउन वापस जाना चाहिए. एग्जिट विद मैन एंटर द रॉबिन हुड. अब वो वहाँ से अपने आदमियों को लेके चला जाता है और तभी वहाँ पे रॉबिन हुड एंटर करता है. रॉबिन हुड, हाउ क्वाइट एंड लोनली द प्लेस इज, येट दिस इज द लाइफ आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड, अ लाइफ ऑफ फ्रीडम. जो रॉबिन हुड है वो कहता है कि कितनी क्वाइट, कितनी शांति वाली जगह है, कितनी अकेली जगह है. तो ऐसी लाइफ तो मैं हमेशा से चाहता था, फ्रीडम वाली. आई हैव ऑलवेज इमेजिन्ड लाइफ अमंग नेचर, वॉचिंग द मून राइजिंग बिहाइंड द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, स्लीपिंग वाइल गेजिंग एट द स्टार्स एंड लीव्स. इट मस्ट बी अ परफेक्ट लाइफ एंड हियर आई एम.
तो अब जो रॉबिन हुड है वो चाहते ही थे कि उसकी जो लाइफ है ऐसी ही होनी चाहिए, फ्रीडम वाली। तो वो चाहते थे कि मैंने हमेशा से ऐसी ही लाइफ इमेजिन की थी कि मैं नेचर के पास रहूं, ठीक है, नेचर के बीच में रहूं, और मैं देखना चाहता हूं मून को जब वो राइज होता है ट्रीज़ की ब्रांचेस के पीछे से, और जब मैं सोऊं तब मैं स्टार्स को देखूं एंड लीव्स और पत्तों के बीच में रहूं। इट मस्ट बी अ परफेक्ट लाइफ। तो ये एक परफेक्ट लाइफ है जहां पे मैं अब हूं। गैदर्स लीव्स टू मेक अ पिलो एंड लाइज डाउन टू स्लीप एंड टू आउटलॉस। तो रॉबिन हुड वहाँ से पत्ते इकट्ठे करता है, लीव्स को इकट्ठा करके अपना पिलो बनाता है एज यू कैन सी इन द पिक्चर, और वहाँ पे सो जाता है। तभी वहाँ पे टू आउटलॉस आते हैं, क्रिमिनल्स आते हैं, आउटलॉ पोकिंग रॉबिन हुड विद अ स्टिक। वो रॉबिन हुड को स्टिक मार के ऐसे टक टक करके उठाते हैं। हु आर यू, व्हाट बिजनेस डू यू हैव हियर, तुम कौन हो, यहाँ पे क्या करने आए हो। तो वो क्रिमिनल्स रॉबिन हुड से पूछते हैं। रॉबिन हुड, आई एम रॉबिन हुड द शेरिफ ऑफ नॉटिंगम, इनवाइटेड मी टू हिज मैंशन एंड सेंट हिज मैन टू अकंपनी मी देयर। तो रॉबिन हुड बताता है कि मैं रॉबिन हुड हूँ, नॉटिंगम का जो शेरिफ है वो मुझे, उसने मुझे इनवाइट किया था, और उसके जो आदमी है वो मुझे उसके महल में लेके जाने के लिए आए थे। Outlaw laughing at the joke, ha ha, so why did you not accept his invitation। तो उन्हें हंसी आती है कि रॉबिन हुड को इनवाइट करने आए थे, तो वो बोलते हैं कि तुम फिर गए क्यों नहीं अगर तुम्हें इनविटेशन आया था तो। ओके, देन रॉबिन हुड सेड, यू सी द शेरिफ्स ऑर्डर्स वर टू अरेस्ट मी डेड और अलाइव, I do not want to die, so I have taken shelter in the forest। तो रॉबिन हुड बताता है कि शेरिफ के ऑर्डर है कि या तो मैं उन्हें जिंदा चाहिए या फिर मरा हुआ, दैट मीन्स वो किसी भी कॉस्ट पे मुझे चाहते हैं। और वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, इसीलिए मैं फॉरेस्ट में मतलब शरण लेने आया हूँ, मतलब छिपने आया हूँ। आउटलॉ, सो यू आर एन आउटलॉ लाइक अस, कि तुम भी हमारी तरह एक क्रिमिनल हो। कम ऑन, लेट अस हैव डिनर टुगेदर, चलो साथ में डिनर करते हैं। आई एम श्योर यू आर स्टार्विंग, मुझे श्योर है कि तुम भी भूखे होगे। वी लिव ऑन द किंग्स टियर एंड वट एवर एल्स वी कैन फाइंड इन द फॉरेस्ट। वो कहता है कि हम सर्वाइव कैसे करते हैं, जो राजा के डियर जहाँ पे छोड़े हुए हैं हम उसे अपना मतलब फूड बनाते हैं, या कुछ भी हमें फॉरेस्ट से मिल जाता है हम वही खा लेते हैं।